हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। अपन देखेंगे आरआरबी जेई सीबीटी वन के जो भी क्वेश्चंस हैं, ऑनलाइन पेपर्स हुई थी एग्जाम, उसके अंदर जो भी पूछे गए थे उनको कवर करेंगे। आज अपन देखेंगे 23 मई 2019 के क्वेश्चंस देखेंगे, और ये जो पेपर है इसको अपन तीन अलग अलग पार्ट में करेंगे ताकि अपना वीडियो इंटरेस्टिंग बना रहे। तो 100 क्वेश्चंस है उसको अपन तीन पार्टों के अंदर कवर करेंगे, 35 35 35 क्वेश्चंस में। तो इसलिए नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपने नहीं किया हो तो अभी तक घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडेप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन, को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। किस डेट को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। यहाँ से ये नहीं पूछा गया आपसे कि कब लागू किया गया, कब इसको अंगीकृत किया गया था। तो अपना आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, और कब इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950। तो दोनों डेट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की, आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है कि वन ईयर एगो यानी एक वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, -1। एक वर्ष पहले दो लड़के हैं, ए और बी मान लेते हैं अपन, उनकी एज का अनुपात था 2:3। तो एक की होगी 2x और एक की होगी 3x, समझ गए। 2:3 था तो एक ही होगी 2x और एक ही होगी 3x। वर्तमान आयु का योग 12 है। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान यानी 0, वर्तमान को मैं 0 से लिखता हूँ, तो इसकी एक वर्ष बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक वर्ष पहले था, इसकी एक वर्ष बढ़ गई, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 5x+2। देखिएगा, वर्तमान में उनकी आयु का योग हो गया 5x+2, और क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग है 12। तो मैं दोनों को बराबर रख देता हूँ, 5x+2 = 12 हो गया। तो 5x = 10, तो x = 2 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा, तो वर्तमान आयु का है ये, वर्तमान आयु ज्ञात कर लेते हैं अपन। x की जगह 2 रख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, तो यहाँ पे 2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 = 5, और यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 3 × 2 = 7 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, एक वर्ष पहले दे रखा है तो इसको कर दिया अपने 2x और इसको कर दिया 3x। बाद में कह रहा है एक वर्ष बाद इसमें एक जुड़ गया, इसमें एक जुड़ गया, तो ये तो हो गया 3x+1 और ये हो गया 2x+1। ये टोटल कितना हो गया, 2 और 3 5x+2 5x+2, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये 12 हो रहा है, तो ये हो गया 12। तो 5x = 10, तो x की वैल्यू होगी 2, और क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो वर्तमान वाले में अपन ने वैल्यू रख दी, समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, धीरे धीरे आपके सब क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, कोशिश कीजिएगा समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ग्लैंड इज एक्टिव ओनली टिल प्यूबर्टी, कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय होती है। चार ऑप्शन दे रखे अपने को, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस या हाइपोथैलेमस। ओनली यौवन काल तक सक्रिय होने वाली ग्रंथि कौन सी ग्लैंड है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाइमस अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ऑप्शन के द्वारा जाना है, तो इसमें 90 तो आपको रखना नहीं है। 90 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म्स हो गई आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 - 1 साइन नंबर का मान होता है 1, तो 1 - 1 यानी 0, ये टर्म्स 0 हो गई, तो पूरी टर्म्स होगी अनंत, तो ये तो रखना नहीं है। बाकी आप एक एक ऑप्शन रख के कैलकुलेशन करके देख सकते हो। बाकी अगर अपन इसको दूसरे तरीके से करें, तो इसका मैं एलसीएम लूँ 1 - sin θ 1 + sin θ और 2, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 - sin θ और 1 + sin θ, और 1 - sin θ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 - sin θ और 1 + sin θ, एलसीएम आ गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गई, तो ओनली 1 + sin θ बचेगा, तो cos θ × 1 + sin θ। इसी प्रकार से माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस 1 + sin θ का भाग है, इसमें जाएगा 1 + sin θ, तो ये बचेगा 1 - sin θ, तो यानी cos θ × 1 - sin θ बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा 2, ठीक है। अब देखिएगा, ये 1 - sin θ और 1 + sin θ बन जाएगा आपका 1 - sin²θ, और 1 - sin²θ बन गया आपका cos²θ। अब इस cos²θ को मैं इधर रख देता हूँ, बराबर 2 cos²θ है। अब ध्यान दीजिएगा, सब में cos का भाग दे देते हैं, ये cos कैंसिल, ये cos कैंसिल, एक cos यहाँ से कैंसिल, तो ऊपर तो बच गया 1 + sin θ - 1 - sin θ,
बराबर हो गया अपने पास में दो कोस थीटा, क्योंकि एक कोस कैंसिल हो गया। अब काट लेते, कटता है तो वन प्लस साइन थीटा माइनस वन प्लस साइन थीटा बराबर हो गया दो कोस थीटा। वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना हो गया इधर टू साइन थीटा और इधर हो गया टू कोस थीटा। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर एक, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। तो इस तरीके से अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45। करके देखिएगा, हर क्वेश्चन को करके देखिएगा कॉपी पेन लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि 30 मीटर लंबा एक कपड़ा है आपके सामने, इसकी लंबाई है 30 मीटर। 30 मीटर का मतलब ये हो गया 3000 सेंटीमीटर। 3000 सेंटीमीटर का आपके पास कोई कपड़ा है। ये कह रहा है कि प्रत्येक 225 सेमी माप वाले 12 टुकड़े काटे जाते हैं, इसमें से आपने 12 टुकड़े काट लिए। एक टुकड़े की लंबाई है 225, तो आपने क्या किया, एक टुकड़ा 225 सेंटीमीटर का और आपने काट लिए 12 टुकड़े, तो कितने टुकड़े, कितनी लंबाई कट चुकी अपन देख लेते हैं। कितना कपड़ा काट चुके, 12 5 60, असलागी 6, 12 2 24 36, असलागी 3, 12 2 24 3, 2700 सेंटीमीटर कपड़ा कट चुका। आगे कह रहा है कि मूल लंबाई का शेष भाग कितना है, तो अपने को मूल लंबाई का शेष भाग बताना है। अब देखिएगा, 2700 काट लिया, टोटल था 3000, कितना बच गया, 300 सेंटीमीटर बच गया, और टोटल मूल लंबाई थी 3000, तो कितना भाग बच गया वही पूछा गया। तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 भाग बच गया, यही अपना आंसर हो जाएगा 1/10, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछा गया कितना भाग बच गया, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में, आप भी सॉल्व करते रहेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना बनती है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। इस सीरीज को पूरा करना है तो अपन क्या करेंगे, देखिएगा, जेड का क्रमांक होता है 26, अक्स का हो गया 24, टी होता है 20 पे, एन हो गया 14 पे, तो आगे आने वाली टर्म्स कौन सी होगी, ये है, तो इनका डिफरेंस हो गया 2, यहाँ पर डिफरेंस हो गया 4, यहाँ पर डिफरेंस हो गया 6, यहाँ पर डिफरेंस कितना आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, और 14 में से आप 8 घटाओगे, 14 में से 8 घटाओगे तो 6, और 6 का जो क्रमांक होता है एफ का होता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है, ये तो हो गया पी और ये क्यू, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो एफिशिएंसी को मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है कि पी क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है, अगर क्यू की क्षमता 100 है तो पी की क्षमता हो गई 130, ये कह रहे हैं पी है क्यू से 30% अधिक कार्य कुशल है, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया 13:10, इसकी क्षमता हो गई 13 और इसकी क्षमता हो गई 10, मैं लिख देता हूँ, तो इसकी क्षमता बन चुकी मेरे पास 13 और इसकी एफिशिएंसी बन चुकी 10। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि पी अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ये पी इस काम को 20 दिन में कर रहा है, तो फिर क्यों अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, क्यों कितने दिन में करेगा। देखिएगा, यदि पी की क्षमता 13 है और पी 20 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम हो गया 13 × 20, टोटल वर्क 13 × 20। क्यों कितने दिन में करेगा, क्योंकि क्षमता कितनी है 10, 10 का भाग दे देते हैं, 10 का भाग है इसमें 2 बार, तो 13 × 26, सिंपल सी बात है, आंसर हो जाएगा 26। इसको आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरी भाषा में आप किस तरीके से करोगे ये तो मैंने निकालने का तरीका बता दिया। अब देखिए अपन इसको करेंगे कैसे दूसरे तरीके से, ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे से 30% अधिक कार्य कुशल है, तो उसका भी आप उतना परसेंट कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप दिनों को भी कर सकते हो, 20 है उसका आप 130% कर दीजिएगा, 20 × 130% 100, तो वो उतने दिन ज़्यादा ले लेगा, तो 13 × 26 वैसे भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टार्टिंग में थोड़े मैथ के क्वेश्चन है, तो वो तो अपन थोड़े फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात इतना है, सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, सीमा की वर्तमान ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा, ये तो है अपने पास में सुंदर, ये होगी सीमा, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात है 5:4, 5:4 मैंने लिख दिया, 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो प्लस 3, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो गया 11:9, तो सीमा की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, आपको डिफरेंस इधर भी निकालना है और डिफरेंस नीचे भी निकालना है, तो इधर डिफरेंस निकालोगे तो 5 में 4 गए 1, इधर निकालोगे तो 11 में से 9 गए 2, नीचे डिफरेंस निकालोगे तो 11 में से 5 गए 6
और 9 में से नीचे अभी निकालना नहीं है अपने को, नीचे अभी नहीं निकालना, पहले इस डिफरेंस को इक्वल करो आप, समझ गए। यदि 5 में से 4 गया 1, 11 में से 9 गया 2, इस डिफरेंस को आपको इक्वल करना है तो आप क्या करोगे, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दोगे, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये भी आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये भी आपका हो जाएगा 10, यानी अपन ने सब जगह डबल कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 है, यहाँ पे भी 2, इनका डिफरेंस बराबर आना चाहिए, ये दोनों 0 हो जानी चाहिए, तो ये बिल्कुल बराबर हो गया। अब इधर डिफरेंस निकालिएगा आप, तो 10 में से 11 में से 10 गया 1 बच गया, इधर 9 में से 8 गए 1 बच गया, और इधर था आपका 0, 3 में से 0 गए 3, तो 1 की वैल्यू होगी आपके सामने 3। क्वेश्चन पूछा कि सीमा की वर्तमान आयु, तो सीमा कौन सी थी ये, और सीमा की वर्तमान आयु है अपने पास में 8, तो 8 को 3 से गुणा कर देंगे, 8 थी 24 अपने पास आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो, ये अपने पास सुंदर और ये होगी अपने पास सीमा, इनका दे रखा है आपके पास में 5:4 और कह रहा है कि कुछ टाइम बाद ये हो रहा है 11:9, तो इधर आपको डिफरेंस निकालना है 1, इधर डिफरेंस निकालना है 2, ये डिफरेंस बराबर करने के लिए मैं इसको 2 से गुणा किया, मैंने इसको भी 2 से किया, इसको भी 2 से किया, तो ये टर्म्स बन गए 5 × 10, ये बन गई 4 × 8। अब ये दोनों बराबर लाने के बाद में मैं इधर डिफरेंस लेता हूँ, तो 11 और 10 का डिफरेंस 1, 9 और 8 का डिफरेंस 1, और इधर डिफरेंस आया 3, क्योंकि ये 3 वर्ष बाद था, तो 1 की वैल्यू 3। क्वेश्चन पूछा कि सीमा की वैल्यू, तो सीमा की वैल्यू जी की 8 × 3 = 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 9, इसको सॉल्व करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। इसको कैसे करेंगे अपन, ध्यान दीजिएगा, इस संख्या से सबको मल्टीप्लाइड कर देना है आपको, x² - 1 से सबको मल्टीप्लाइड कर देना है, तो इसमें क्या होगा देखते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाइड करूँगा x² - 1 से, इसको भी करूँगा x² - 1 से, इसको भी करूँगा x² - 1 से, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x - 1, x² - 1 का मतलब है x - 1 और x+1, ठीक है। इसी पर ये हो गया b, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखिएगा, x - 1 और x+1, x+1 और नीचे है x+1, नीचे है x+1 और x² - 1 की जगह हो गया x - 1 x+1, यानी a² - b² है वो हो गया a - b और a+b, वही फॉर्मूला काम में लिया है। अब देखिएगा इसमें x - 1 कैंसिल हो गया, x+1 कैंसिल हो गया, इधर तो था a, इधर हो गया a × x+1 प्लस b × x - 1, तो x = हो जाएगा आपका ax + a प्लस bx - b, तो x = क्या हो गया, x कॉमन ले लिया तो a + b बच गया इन दोनों जगह से, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया तो a + b बच गया, और a और b में से क्या कॉमन आएगा, +1 कॉमन आएगा तो a - b बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा a + b x का गुणांक इधर क्या है, a + b, तो x का गुणांक हो गया a + b, तुलना करते अपन, और इधर x का गुणांक क्या है 1, तो एक तो समीकरण आ गया मेरे पास ये, इधर a - b की कॉन्स्टेंट है और उधर a - b की कोई टर्म्स नहीं है, इधर 0, ये हो गया a - b = 0, इस समीकरण से क्या हो जाएगा a = b हो जाएगा, a = b आ गया तो a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 1/2, तो अपने पास आंसर हो जाएगा a और b की वैल्यू 1/2 और 1/2, ठीक है, 1/2 और 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा कि बेरबेरी किस वजह से उत्पन्न होता है, बेरबेरी उत्पन्न होने के पीछे का रीजन क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B1 की कमी से। ये सिंपल सा है, सीरीज है, कंपेयर टू द सीरीज, इस सीरीज़ को करना है, सरणी को पूर्ण करना है अपने को, कि इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं है, इसका इसमें भाग गया 14 बार, तो इसमें कितनी बार भाग गया, इसमें इसमें जाएगा, इसके अंदर भाग दिया हुआ है, जैसे कि ये आ गया आपका 10 बार भाग है, तो ये कितनी बार भाग गया है इसमें, 14 × 42, इसको किससे गुणा किया मैंने, भाग देख ले, देख लेते हैं, 504 में 42 का भाग, तो 42 का भाग एक बार गया, ये 12, यहाँ पे 12 बार भाग गया, तो देखिएगा ये हो गया, इसमें भाग गया 14 का, यहाँ पे भाग गया 12 का, यहाँ पे 10 का, तो आगे आने वाले टर्म से भाग दे गए अपन 8 का, यानी कुल मिला के गुणा कर रहे हैं अपन, सॉरी गुणा किया जा रहा है, इस टर्म को 14 से गुणा किया, इस टर्म को 12 से किया, इस टर्म को 10 से किया, तो नेक्स्ट आने वाले टर्म्स को 8 से गुणा करना है, 8 को 4 से मल्टीप्लाइड करोगे तो लास्ट डिजिट 2 आ रही है, तो 2 अपना आंसर हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये कह रहा कि साबुन अणु में क्या होता है, साबुन की बात हो रही है, साबुन के अणुओं में क्या होता है वो अपने को बताना है। साबुन होता है देखिएगा, उसमें एक तो होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक, फोबिक बोलते हैं अपन डर को,
डर होता है, एक होता है फीलिंग, एक तो होता है कि जल से प्रेम करने वाला, एक होता है जल से दूर हो जाने वाला। साबुन होते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रेम करता है साबुन से और एक होता है दूर होना। तो जल स्नेही और जल विरागी, जो जल स्नेही होता है उसको तो बोलते हैं अपन हेड, जल स्नेही जो जल से प्रेम करता है उसको बोलते हैं हेड, और एक होता है फोबिक, फोबी फोबिया यानी डर लगना, एक होता है जल विरागी उसको बोलते हैं टेल पूछ। तो साबुन मॉलिकुलस है उसके अंदर क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, जल स्नेही शीर्ष और जल विरागी पूछ। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीड बोरन डिजीज, निम्न में से कौन सा एक बीज जनित रोग नहीं है। चार ऑप्शन अपने पास में, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू में होने वाला मौजिक रोग है वो एक सीड जनित रोग नहीं है। बाकी तीनों है गेहूं के दाने का आवरण गिर जाना, गन्ने की लाल सड़न और चावल के दाने का आवरण का सड़ जाना, ये बीज जनित रोग है तीनों के तीनों, बाकी ऑप्शन बी को छोड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है, या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है, कौन सी है वो। चार है डियर मनी, वैल्यू, परचेज और चीप, डियर, चीप, वैल्यू, परचेज। तो अपना आंसर हो जाएगा उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध होता है, मतलब बहुत ही सस्ता अपने को लोन मिलता है, इसका मतलब चीप मनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यदि 25/8% ऑफ 128 इक्वल टू अक्स है तो वैल्यू ऑफ अक्स बताइएगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 25/8 है, परसेंटेज को हटाएंगे, तो इसमें मैं 100 का भाग दे दिया, परसेंटेज को हटा के मैंने नीचे 100 कर दिया, ऑफ की जगह होता है गुणा 128 बराबर है अक्स। अब काट लेते हैं, 25 का इसमें भाग गया 4 बार, 4 का इसमें गया 4 थी 12, 4 दुनिया 8, 8 का इसमें भाग गया 4 बार, तो अक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं पूरे पेपर सॉल्व करवाऊँगा आपको, चाहे ग्रुप डी हो, NTPC हो या आपके JEE हो, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स में हुए थे इसी प्रकार से जल्दी SSC वाले पेपर से भी सॉल्व करेंगे अपन। पी और क्यू अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिनों में करते हैं, पी 6 दिन में और क्यू 8 दिन में, वे दोनों आर की मदद से 3 दिन में करते हैं, पी क्यू और आर मिलकर 3 दिन में करते हैं, यदि कुल मजदूरी इतनी है तो आर को कितनी मजदूरी मिलेगी। हमेशा आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसे केस में आपको ये जो मजदूरी का बंटवारा होता है वो होता है एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इधर निकालेंगे अपन एफिशिएंसी और इधर निकालेंगे अपन टोटल वर्क, टोटल वर्क होता है हमारा LCM, तो 6 और 8 3 का LCM हमेशा आएगा 24, 24 LCM आ गया, 24 में 6 का भाग दूंगा तो पी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास, पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, क्योंकि आ जाएगी इसकी आ जाएगी, ये क्यों था, क्योंकि आ जाएगी 3, इसी प्रकार तीनों की कितनी आ जाएगी 8। अब ध्यान दीजिएगा इसको मैं जोड़ लेता हूँ, 4 और 3, 4 3 जोड़ा मैंने 7 हो गया, और इधर 8 तीनों की है 7 दोनों की है, तो इसमें से घटाऊंगा तो R की आ जाएगी, क्योंकि पी क्यों कैंसिल हो गया तो R की बचेगी, तो R की एफिशिएंसी आ गई 1। पी की एफिशिएंसी कितनी है, पी की आई मेरे पास 4, क्योंकि कितनी आई, क्योंकि आई मेरे पास 3, और R की कितनी आई, R की आई मेरे पास 1। अब ये जो राशि है इसको इस अनुपात में आपको बांटना है, 4:3:1, तो 4 3 7 रेखा टोटल, तो 8 = 3200, 1 = 400, तो ये आ जाएगा, यहाँ 400 से गुणा करोगे तो 400 आर की आ जाएगी, 400 आर का आ गया, यहाँ 400 से गुणा करोगे तो 1200 इसका आ जाएगा, यहाँ 400 से गुणा करोगे तो 1600 पी की राशि आ गई। क्वेश्चन में पूछे आर को, तो आर को मिल रहे 400 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, मैथ के क्वेश्चन स्टार्टिंग में ज़्यादा है, चलो कोई ना, एक दो क्वेश्चन देखते हैं आपके, बाद में देखेंगे अपन और क्वेश्चन। किस खेल में बाएँ हाथ से खेलने की अनुमति नहीं होती है, बाएँ हाथ के खेलने की अनुमति किसमें नहीं होती, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, पोलो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसको आपको करके देखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्किप मार दूँ मैं इसको, नॉर्मल है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले भाग विधि करनी है, देखो फटाफट बता देता हूँ, 18 में 2 का भाग दोगे आप, 18 में 2 का भाग दोगे 9 हो गया, 9 प्लस आपका हो गया 15, यहाँ भाग हो जाएगा, 18 में 2 का भाग दोगे 9, तो 5 3 15 - 9 15 - 9 हो गया 6, तो हो जाएगा 9 और 5 कितने हो गए 24/6, यानी आपका आंसर हो जाएगा 6×6=24, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, 20 पे वीडियो खत्म करते हैं, इसको एक बार आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि इनका एलसीएम बताना है आपको, एलसीएम कितना होगा, यदि एलसीएम निकालना है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम किस किस का हो जाएगा, 36, 48 और 72 का। नीचे आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हो जाएगा आपका 225 का, 150 का और 85 का। अब इनका आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ आएगा 5, तो ऑप्शन में आप नीचे वाली संख्या देख लीजिएगा, 5 कहाँ आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनका आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बाद में देखते हैं अपने क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आगे देखेंगे। ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को क्रम मूल्य से 23% अधिक मूल्य पर बेचा गया। यदि क्रम मूल्य आप मानते हो, ये एक वस्तु को क्रम मूल्य से 23% अधिक पर बेचा गया, क्रम मूल्य 100 है, विक्रम मूल्य हो गया आपका 123, और ये कह रहा है कि विक्रम मूल्य इतना है और मैं कह रहा हूँ विक्रम मूल्य इतना है, तो दोनों को बराबर कर लेता हूँ, 123 बराबर हो गया 140/22, ए की वैल्यू हो जाएगी 140/22/123। इसमें इसका भाग दूंगा तो इसमें इसका भाग जाएगा 114 बार, और क्वेश्चन पूछा गया क्रम मूल्य ज्ञात करो, क्रम मूल्य ये था, यहाँ पे मैं 114 से गुणा करता हूँ तो आंसर हो जाएगा 114/00। इस तरीके से यहाँ पे आंसर रहेगा बी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे के क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे इसी प्रकार से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।